अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़नामचा में आपका मेज़बान दोस्त डॉक्टर नज़ीर दुरानी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, यकीनन आपको पता होगा कि रोज़नामचा बलूचिस्तान से आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आता है और बलूचिस्तान क्वेटा, स्पेशली क्वेटा की बात करूँगा क्योंकि इस वक्त हम क्वेटा में कैपिटल में खड़े हैं, बलूचिस्तान के कैपिटल में खड़े हैं क्वेटा में। तो क्वेटा जो है वो जंजाल पूरा बन चुका है, यहाँ पे एक इशू उठाया जाए तो दूसरा इशू जो है उसके पीछे रवाना हो जाता है, दूसरा इशू उठाया जाए तो तीसरा इशू उसके पीछे रवाना हो जाता है। वो बच्चे जो हाथ में पेंसिल कलम लेके जो है और क्रिकेट का बल्ला उनके हाथ में होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो है उनके हाथ में पाना और इसी तरह से हथौड़े और इस तरह की चीज़ें उनके हाथ में और वो मजदूरी करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट की उन एनजीओ से भी गुजारिश करूंगा और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है वो दिल से सोचा जाए और इन बच्चों के लिए कोई वजीफ़ा मुख्तस किया जाए। यहाँ पे एक नौजवान, एक तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 16-17 साल का, कोई 15-16 साल का, 14-15 साल का एक जवान खड़ा है, इससे मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, आप कितने अरसे से कचरा जमा कर रहे हैं? क्या, कितने अरसे से, कितना अरसा हो गया कि आप कचरा जमा कर रहे हैं? एक साल दो साल हो गया है। क्यों, किस वजह से आप कचरा जमा करते हैं? गरीबी है ना, इस वजह से गरीबी है। आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर में अपने फैमिली का पेट पालते हैं ना, इस वजह से आप ये कचरा जमा कर रहे हैं? इस वजह से। कितने आपके घर में, कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं आपके घर में? 8-9। 8-9 लोग हैं। सबका पेट आप पालते हैं घर में? बाकी आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, एक बड़ा है, वो मेरे बाप, वो कम नहीं करता, सिर्फ हम काम करते हैं। आपके वालिद साहब काम नहीं करते हैं, वो ज्यादा, उनकी उम्र ज्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस वो कम नहीं करते हैं। अच्छा, काम नहीं करते हैं। आप दिन में कितना कमा लेते हैं ये कचरा जमा करके? 500, 300, 600 बस ऐसे कमाते हैं। आप अपना चेहरा मुझे दिखाएंगे? आप अपना चेहरा ज़रा मुझे दिखाएं। ये देखिए नाज़रीन, ये वो नौजवान है जो अपने घर का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए इस कचरा कुंडी में काम करता है। आप मुझे ये बताएं कि आपको बीमारी से डर नहीं लगता? इस कचरे में तो बहुत सारा अजीब अजीब कचरा आता है। नहीं, क्यों डर लगता है, अल्लाह बचाता है ना। अल्लाह बचाता है, अल्लाह की ज़ात पे आपको इतना भरोसा है कि अल्लाह आपको जो है हिफाजत करने वाला है? बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है, ये कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, मैं हलाल रोज़ी कमाने के लिए यहाँ पे निकला हूँ तो अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। मुझे ये बताएं, कभी कभार ऐसा होता है कि इस कचरे में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, अस्पताल के नीडल्स आते हैं, सिरिंज आते हैं, वो कभी आपको चुभे? वो तो ये क्या करे, मजबूरी है ना। कभी चुभे हैं आपको, कभी आपके हाथ में लगा? लगा काफ़ी सारा। जब वो आए तो हाथ पे कभी कभी लगेगा ना। पीछे यहाँ पे एक छोटा सा खोखा बना हुआ है, दाबा बनाया है, दड़बा बनाया है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है, इससे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये क्या नाम है आपका? अवेश। अवेश, थोड़ा सा यूं करके बैठ जाए ऐसे कैमरे के सामने। कैसे हैं आप ठीक है? ठीक हूं। तबीयत अच्छी है जी। अवेश, ये खोखा आपने बनाया हुआ है, क्यों आप ये काम कर रहे हैं? घर चलाने। घर चलाने के लिए? घर में कितने अफराद हैं आपके? 8। 8। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। घर का गुजारा आपका मुश्किल है जी? घर का गुजारा मुश्किल से होता है जी। स्कूल पढ़ते हैं आप जी? कौन सी क्लास में? 6th क्लास। 6th क्लास में। स्कूल पढ़ने के बाद आप आके यहाँ पे काम करते हैं जी? अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं दिन में? 2-3 हजार रुपए आप दिन में यहाँ से कमा लेते हैं, इस कोके से? माशाल्लाह। तो ये बताएं कि क्या स्कूल को आप सही टाइम दे सकते हैं काम करने के साथ साथ? जी। कितने भाई हैं, बड़े भाई हैं आपके? 3। वो काम करते हैं? जी, काम करते हैं। बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप खेलते किस वक्त हैं? नहीं खेलते। नहीं खेलते हैं? तो बच्चों को तो खेलना चाहिए, खेल तो आपके लिए जो बहुत लाजमी है बच्चों के लिए। नहीं खेलते। क्यों, टाइम नहीं मिलता आपको? टाइम टाइम नहीं मिलता है जी। स्कूल में आप स्कूल में भी नहीं खेलते? स्कूल में खेलते हैं। स्कूल में खेलते हैं जी। उसके बाद आके फिर पढ़ाई कैसे करते हैं आप? स्कूल का काम, होमवर्क? इधर भाई बैठते हैं।
घर पे जाके काम करते। अच्छा, फिर आप घर पे जाके काम करते हैं। अच्छा, स्कूल का काम करते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो आपको लोग देख रहे हैं, जो हुकूमत आपको देख रही है, गवर्नमेंट आपको देख रही है, आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि उनको क्या कहा जाए कि महंगाई खत्म की जाए ताकि गरीबों का गुजारा हो, क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे? महंगाई खत्म। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डबल रोड पे खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर है, जो काम करने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर बच्चे हैं, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम बेटा? रब नवाज। रब नवाज। आपका नाम बेटा? अली नवाज। अली नवाज। आपका नाम बेटा? शाबान। शाबान। अच्छा, रब नवाज कैसे हो आप? ठीक है। क्या काम करते हो आप? पॉलिश का। दिन में कितना कमा लेते हो? 100-150 रुपए कमाता है, गरीबी अपन करता है। 100-150 रुपए कमा लेते हो। आप कितना कमाते हो अली नवाज? आप भी 250-200 कमाता है जी। 250-200 कमाते हो जी। आप कितना कमाते हो बेटा? 200। आपके जूते क्यों नहीं है? आपके चप्पल क्यों नहीं है? पैसे नहीं है। चप्पल इसलिए नहीं लिए, पैसे नहीं है आपके पास? स्कूल क्यों नहीं पढ़ते हो आप? स्कूल किताबें नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, 250 रुपए के हिसाब से अगर आप दिन में 200 रुपए कमाते हैं तो आप ऐसे समझ लें महीने के 6,000 रुपए कमाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपए मिले तो आप पढ़ेंगे फिर? पढ़ाई का दिल करता है आपको? पढ़ने को दिल करता है आपको? अगर आप भी 250 कमाते हैं ना, अगर 250 रुपए के हिसाब से जो है आपको पैसे दिए जाएँ हर महीने, आपको जो है हर दिन आपको 250 रुपए दिए जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, तो फिर आप पढ़ेंगे स्कूल? जी, सिंध में पढ़ते हैं। सिंध में पढ़ते हो आप जी? क्या पढ़ते हो वहाँ? स्कूल। किस क्लास में पढ़ते? चौथी। चौथी क्लास में पढ़ते हो? तो इधर अभी सिंध में छुट्टियाँ हैं, आप इधर आए हो काम करने के लिए जी? तो यहाँ पे कहाँ रहते हो आप? यहाँ पर टूटियों पर पीछे वाला खेमे लगाए, झुगियाँ हैं आप जी? अच्छा, तो और आपके भाई वालिद वगैरह काम करते हैं जी? तो वो दिन में कितना कमा लेते हैं? वो भी 300-400 कमाते हैं। 300-400 वो भी कमा लेते जी। अच्छा, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? हम गैरेज का काम करेगा जी। बड़े होके गैरेज का काम करोगे आप जी? डॉक्टर या इंजीनियर या ये नहीं बनना चाहोगे? ये आपका ख्वाहिश, ये आपकी ख्वाहिश नहीं? स्कूल पढ़े फिर डॉक्टर बनना चाहेंगे। आपका नाम बेटा? रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह, ये बताएं कि आप काम क्यों करते हैं? हम मजबूर है, गरीब है, किराए का मकान है, इसलिए हम काम करते हैं। अबू रक्षा चलाता है इसलिए। स्कूल क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? स्कूल जाते हैं? पढ़ लिया, 3 साल पढ़ लिया। सिर्फ 3 साल पढ़ा, फिर उसके बाद क्यों स्कूल छोड़ा? बस छोड़ दिया। मजबूरी की वजह से, महंगाई की वजह से? मजबूरी की वजह से, महंगाई की वजह से, इसलिए हम लोगों ने छोड़ लिया स्कूल, बस काम करने आया। काम करने आया। अच्छा, दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में आपको कितने पैसे मिलते हैं यहाँ से? नहीं मिलते पैसे आपको? नहीं मिलते अभी दिन में? कब मिलते हैं पैसे आपको? हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन कितने पैसे मिलते हैं? 500। 500 रुपए के लिए आप पूरा हफ्ता काम करते हैं? दिन में सुबह कितने बजे आते हैं? 10। सुबह 10 बजे आते हैं? 10 बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? 8। 10 बजे से 8 बजे तक ये बच्चा काम करता है और इसकी मजदूरी सिर्फ 500 रुपए होती है। ये बच्चा मजबूरी से अपने घर से निकला है और ये इसके खेलने कूदने के दिन है, ये इसके स्कूल पढ़ने के दिन है, लेकिन ये गैरत की वजह से, ये महंगाई की वजह से, अपने भाई बहनों का और अपनी फैमिली का पेट पालने की वजह से ये बच्चा मजदूरी करता है। आप देखिएगा कि अगर ये छोटे से हाथ ये मजदूरी कर रहे हैं तो आप उन बड़े लोगों को जो भीख मांगते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो लोगों के सामने जो है हाथ फैलाते हैं, जो झोली फैलाते हैं, उनसे ये बच्चा जो है 1,00,000 दर्जे बेहतर है। लेकिन गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि इन बच्चों की माश की जाए, इन बच्चों को पढ़ाया जाए, इन बच्चों को स्कूल में डाला जाए। तो आपका दिल करता है स्कूल पढ़ने को जी? नहीं पढ़ सकते हैं आप? गवर्नमेंट स्कूल तो वैसे गवर्नमेंट स्कूल फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते? सरकारी करने मजबूरी है, काम करने। अच्छा, ये बच्चा बार बार मजबूरी मजबूरी का नाम ले रहा है, यकीनन ये मजबूर है। घर का किराया कितना है आपका? 10,000।
10,000 रुपए घर का किराया। वालिद क्या काम करते हैं? रक्षा चलाते हैं। वालिद कितना दिन में कितना कमा लेते हैं? 500-600। घर में भाई बाप दोनों काम नहीं करते? वालिद साहब की उम्र क्या है? हाँ, आपके अब्बू की उम्र क्या? बूढ़े हैं जी। भाई कितने उम्र के? 15 साल। आपके घर में कितने लोग हैं? फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं जी। घर आपका अपना है? नहीं। किराए का? हाँ। कितना किराया? 15,000। 15,000 रुपए किराया देते आपको। आप सुबह कितने बजे आते हैं? 8-10 बजे आता हूँ। 8-9-10 बजे इस टाइम में आ जाते हैं। वापस कितने बजे जाते हैं? 9:30-9:30। 9:30-10 बजे वापस चले जाते हैं जी। खेलते कब है आप? खेलते कब है आप? जुमे का दिन। जुमे वाले दिन आपकी छुट्टी होती है, तब आप खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं जी। आपको दिन में कितने पैसे मिलते हैं? दिन का नहीं मिलता है। अच्छा, हफ्ते में मिलते हैं आपको भी? हफ्ते के कितने मिलते हैं? 500 रुपए। और आपके बड़े भाई कितना कमा लेते हैं? पता है उसका? पता नहीं है हमको। अच्छा, दिल करता है आपका स्कूल में पढ़ने को जी? अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक मुआवजा दे दिया जाए कि आपको हर महीने जो है 5,000 रुपए दें और आप जो है स्कूल भी पढ़ें, तो आप पढ़ेंगे स्कूल? जी जी पढ़ूंगा। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है जी। स्कूल पढ़ते थे पहले आप? पहले 5-6 इस तरह पढ़ा है। 5वीं तक पढ़े हो आप? 5th क्लास तक पढ़ा है। इस बच्चे की मासूमियत को आप देख लें कि ये बच्चा कितना मासूम है और ये बोल भी नहीं सक रहा है। इनके दिल में बेटा, आपका नाम क्या है? शेरामत। शेरामत किधर है? आपका घर कहाँ है? केचीबेग। केचीबेग सरियाब में आपका घर है? शेरामत स्कूल पढ़ा है आपने? स्कूल पढ़ते हो? नहीं। क्यों? स्कूल नहीं आता। स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल क्यों नहीं पढ़ते? स्कूल पढ़ता है। पढ़ते थे पहले, अभी नहीं पढ़ते हो? नहीं। वजह? मारता था। टीचर मारता था? हाँ। ये नाजरीन एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये देखें कि ये बच्चा जो है उस उस्ताद की वजह से आज यहाँ पे गैराज में खड़ा है। जो उस्ताद स्कूल में इस बच्चे को मारता था, पीटता था और इस बच्चे को आज मजबूर कर दिया है कि ये बच्चा यहाँ पे गैराज में इस मैले कपड़ों के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो कौन सा टीचर था? केचीबेग में कोई टीचर था? क्या नाम था उसका? मदरसा पढ़ रहा था, वो मारता। अच्छा, मदरसे में पढ़ते थे? ये मदरसे के उस्ताद थे? ये कोई मुदर्रिस थे? हमारे उलमाए कराम में से कोई थे, वो इनको पढ़ाते थे तो वो बहुत ज़्यादा मारते थे। आज ये बच्चा जो है मजबूरन यहाँ पे गैराज में काम कर रहा है। आपके वालिद साहब क्या काम करते बेटा? मजदूरी करता है, तगारी का काम करता है, मतलब सामान मजदूरी करता है। अच्छा, आपको जो है कितना अरसा होता है गैरेज में काम करते हुए? 1 महीना। 1 महीना हो रहा है। इससे पहले आप क्या करते? मदरसा पढ़ रहे थे। आपका दिल करता है कि आप मदरसा दोबारा पढ़ो, स्कूल दोबारा पढ़ो? गैरेज में आप तंग हो? सख्त काम है? आप अपने हाथ दिखाओ, यूं करते वो दूसरा हाथ भी दिखाओ। जरा मेरे ये कैमरामैन अमजद शाह अगर आगे आए और मैं आपको ये हाथ दिखाऊं कि ये देखेंगे। ये मासूम बच्चे के हाथ हैं, ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये निशानात पड़े हुए हैं। ये काम करने वाला बच्चा है और इसने ये हाथ काम करने के नहीं बल्कि ये खेलने के हाथ है। इस वक्त इसको इसके हाथ में कलम होना चाहिए था, इसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला होना चाहिए था, इसके पैरों में फुटबॉल के जूते होने चाहिए थे, ये खेल कूद करना चाहिए था इसको। लेकिन ये आज यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बच्चा जो है ज़हनी कोफ्त का शिकार हो गया और ये बात तक नहीं कर सक रहा। और ये आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन, इसकी हालत किस तरीके से। बेटा, अगर आपको हुकूमत की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएं और बोला जाए कि आपको हर महीने 5,000 या 6,000 रुपए देंगे और आपको स्कूल भी पढ़ाएंगे, तो आप स्कूल पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। आपको अभी यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं? 100। दिन के 100 रुपए मिलते हैं? वालिद साहब आपके जो है वो मजदूरी करते हैं, दूसरे भाई आपके काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? वो भी गैरेज का काम करते हैं। हाँ।
तो आप वैसे अगर आप पढ़ लिख जाते, आपने अपने दिमाग में क्या बनाया था कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? जी नाज़रीन, हम एक और मकामी गैराज में यहाँ पे मौजूद हैं। आपको दिखाते चले कि यहाँ पे भी दूर मुझे एक बच्चा नज़र आ रहा है जो कि मोटरसाइकिल साफ कर रहा है, और ये मेरे ख्याल से कोई छोटा सा सर्विस स्टेशन है। अभी हम जाएंगे इस बच्चे से, हम पूछेंगे। इस बच्चे की एज मुझे तकरीबन कोई 6 या 5 साल लग रही है, तो मैं खुद जाके बल्कि इस बच्चे के करीब जाके इससे पूछूँगा कि इसकी उम्र क्या है और ये क्यों यहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर अमजद शाह साहब इस तरफ से आ जाएं और मैं इस बच्चे को थोड़ा सा यहाँ से ले लूं, तो ये अस्सलाम वालेकुम जोए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सदी जोए। हां नुम बाबू। उर्दू बोलते हो आप? उर्दू आती है आपको? पश्तो आती है? पश्तो? पश्तो बोलते हो? पश्तो की खबर क्या है? सलाम सदी। हां बाबू। बाबुल बाबुल अस्ताऊ मरसूदी। अस्ताऊ मरसूदी। सो काल है? अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम बाबुल है और इसकी उम्र जो है वो 7 साल है। बाबुल अदल तो वो लिखार का है? वो लिखार का है। स्कूल वो लिखा है? वो ली पवजा दिच्छी शी स्कूल वो लिखा है? स्कूल वो लिखा है? प्लार चीज कार का? प्लार चीज कार का? अच्छा, ये बच्चा जो है ये बात करने के जो है उसमें बिल्कुल नहीं है और ये शायद बात कर भी नहीं सक रहा है। बहुत सहमा हुआ है ये बच्चा। ये बच्चा काम कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे जो है एक मोटरसाइकिल खड़ी है और ये मोटरसाइकिल साफ कर रहा है। और इस बच्चे का नाम बाबुल है, बड़े प्यार से इसका नाम रखा गया होगा। जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो माँ बाप ने बहुत सोच समझ के जो है इसको बाबुल का नाम दिया होगा। अब बाबुल के मीनिंग्स जो हैं वो बहुत हमारे बरावी और बलोची लैंग्वेज में बाबुल जो है वो बड़े प्यारे को कहते हैं। तो ये इस वक्त माँ बाप का बड़ा प्यारा बच्चा होगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन, कि इस वक्त जो है यहाँ पे गैराज में काम कर रहा है। इसकी एज जो है वो 6 से 7 साल है और इसके इस वक्त खेलने कूदने के दिन है और स्कूल पढ़ने के दिन है, मगर ये स्कूल नहीं पढ़ रहा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मलक नादर आचकजी के साथ खड़े हैं, जो यहाँ पे डबल रोड जितने गैराज हैं इनके जो है ये यहाँ पे सदर भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये चाइल्ड लेबर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो भिखारी यहाँ पे आते हैं डबल रोड पे, तो कितनी परेशानी होती है, और चाइल्ड लेबर जो यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है बोलो खैर से, आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी। यहाँ पर तो रोज़गार बिल्कुल है नहीं बच्चों के लिए, बच्चे जो है अक्सर बेरोज़गार है, फिर लोगों को दुकानों से चोरी भी कर सकता है, और अक्सर लोगों का जो है आजकल बच्चे का काम नहीं है। तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का जो है जो बेरोज़गार बच्चे हैं इनको कोई स्कूल का दाखिला करवाना या कोई वो जो कोई तनख्वाह देना बच्चों के लिए, कोई माँ बाप मराद देना चीज़ें देना। आपने देखा होगा मलिक साहब के इधर बच्चे डबल रोड पे तकरीबन बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गैराज में काम करते हैं। तो इनके जो उस्ताजान होते हैं वो भी उनके साथ थोड़ा सा सख्ती से बात करते हैं, सख्ती से बरसते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोगों ने काम किया, क्योंकि आप इस इलाके के सदर हैं, ये आपका जो है ये भी एक जिम्मेदारी में से, मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इन बच्चों का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। तो क्या कहते हैं आप? जैसे दुरानी साहब, हम जो अभी तकरीबन 1 महीना पहले हमारे सदारत है यहाँ पर, मैं सदर हुआ इस रूट का, तो इसी वजह से हम लोग इसके ऊपर भी कोशिश करें कोई बच्चा के साथ मिसाल के तौर पर उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे, कोई बच्चों को मार न पीट न जाए, और बच्चों को जो है हमेशा
अब पहला पहला तो उसका स्कूल का मसला है, स्कूल दाखिला करवाना चाहिए। तो हम लोगों को यही रिक्वेस्ट है इसको इनके माँ बाप से, इनके जो बड़ा है उनके से रिक्वेस्ट के पहला इसको स्कूल का दाखिला देना चाहिए। अगर स्कूल का दाखिला नहीं है फिर भी मिसाल इसकी गुरबत की वजह से इसको गैरेज में काम करना या किसी जो गरीब लोग जो दुकान के साथ दुकानदार के साथ काम करनी चाहिए। तो हम कि बैसे डबल लोड सदर हमको ये काम करनी चाहिए कि हम लोग इसके साथ गरीबी गरीब को मिसाल 100-200 रुपये दिन में दिहाड़ी ज़्यादा देना चाहिए और लोगों के पास बच्चों से जो है मारपीट नहीं करनी चाहिए। ये भिखारी हैं और ये अम्मा इनके साथ। अम्मा क्या हाल है? खैर है भाड़ी, खुश है, शुक्र है अल्लाह का एहसान है। आप खैरियत से? किधर से आए? झटपट। झटपट से? क्या कर रहे हैं आप? गरीब लोग को क्या है, ना बेनजीर है ना वजह है। बेनजीर भी नहीं है आप, गरीब लोग हैं। गरीब लोग, गरीब लोग क्या करते हैं? मेरे इमरान खान भी नहीं देता, क्या करूं? इमरान खान भी नहीं देता, बेनजीर भी नहीं देती, गुजारा करें क्या करूँ? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम भी ले रही हैं, इमरान खान साहब का नाम भी ले रही हैं, वो भी इनको कुछ नहीं देता। झटपट में क्या काम करते हैं आप लोग? ये बच्ची से भी मेहनत करवा रहे हैं आप? क्या करूँ बच्चे, पेन खाऊँ क्या खाऊँ बच्चे? बच्चा जो है ये माजूर है, क्या नाम है आपका? शादोस। शादोस कैसे हो आप? क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? स्कूल पढ़ते हो? नहीं। क्यों क्यों स्कूल नहीं पढ़ते हो? बस। ये आपके साथ जो है ये कौन है? ये मेरा बाप। आपके वालिद साहब है? अच्छा, आपके वालिद साहब से मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैर है। क्या नाम है आपका? गुलजान। गुलजान, गुलजान कहाँ से आए आप? सिंध का। सिंध से आए हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं पढ़ाते? बीमार है, हम गरीब है। नहीं, बीमार भी तो स्कूल पढ़ता है ना। आप तो ठीक है, आपके हाथ भी सही हैं, आपके पैर भी सलामत हैं, आप खुद ठीक ठाक हो, लेकिन आप बच्चे से भीख क्यों मंगवा रहे हैं? गरीब है, बीमार है। नहीं, बीमार तो ठीक है आपका बच्चा, हम नहीं बोलते कि बीमार नहीं है। बीमारों का स्कूल भी है, माजूरों का स्कूल भी है, वहाँ पे स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? आप भीख क्यों मंगवा रहे हैं? गरीब आदमी। आप आपके हाथ पैर सलामत है ना? आप दिन में कितना कमा लेते हो? 3-5 सौ बस। 3-5 सौ? तो 3-5 सौ तो आप अगर मजदूरी करेंगे आप 1000 रुपए कमाएंगे, तो इससे आपके बच्चे की भी जिंदगी तबाह हो रही है, आप अपनी भी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। क्यों? क्यों ये मुझे वजह बताएं कि आप इस बच्चे को रेडी में घुमा रहे हैं, इस बच्चे से आप भीख मंगवा रहे हैं, इस बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, माजूरों के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ता बीमार तो ठीक है मेरे भाई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बच्चा बीमार नहीं है, बीमार है। आप इसको माजूरों के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते और खुद मजदूरी क्यों नहीं करते? पढ़ता मजदूरी करते हैं। कौन सी मजदूरी? मजदूरी नहीं करता है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मजदूरी? वजह बता देना, मजदूरी ना करने की वजह बता दे। बीमार है अभी, गरीब है। बच्चा तो बीमार है, आप मजदूरी करेंगे, आप 500 कमाते हैं, इस वक्त भीख मंगवा रहे हैं इस बच्चे से, ये जुल्म कर रहे हैं आप। सही है, जुल्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप? पढ़ता है। जुल्म कर रहे हैं ना। ये बच्चों को आप पढ़ाएं, इससे इसको मजदूरों के स्कूल में डलवाएं। आप बोल रहे हैं ये बीमार है, मैं इससे जो है भीख मंगवाऊंगा, तो कल को ये बच्चे की क्या, इसका मुस्तकबिल क्या बनेगा? ये भी भिखारी बनेगा। आज तो ये सीट पे बैठ के भीख मांग रहा है, कल ये सड़कों पे भागते हुए भीख मांगेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बस कल 4 बच्चे हैं, उनका पेट आप पालते हैं, आप उससे भीख मंगवाते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह नहीं करे सर। नहीं मंगवाते हैं? नहीं जाना, नहीं जाना आप। ये भी तो गरीब है, ये बोलता है मैं काम करता हूँ रबड़ बेचता हूँ। माशाल्लाह सारे हम मजदूर खड़े हुए, सारे काम करते हैं यहाँ पर डबल रोड। तो ये तो सारे मजदूर हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? ये बच्चा जो है ये देखिए ये मजदूरी कर रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? जुबैर। जुबैर कहाँ से हो आप? जकमाबाद से हो आप? ये मजदूरी क्यों करते हो? गरीबी तो क्या करें, गरीबी है। भीख क्यों नहीं मांगते? भीख क्यों मांगे सर, अपना शुक्र रोजी करके कमाते हैं। ये बच्चा बोल रहा है मैं अपना रोजी कमा रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मैं रोजी नहीं कमाता हूँ, मैं भीख मांगूंगा क्यों? कर्जा है कम आजी का। हाँ, क्या मतलब है? करूँगा कम आजी का। कब से करोगे? करूँगा। कब से काम शुरू करोगे? महीने के बाद। महीने के बाद क्यों, आज से क्यों नहीं? बस अभी बोलो कि इस बच्चे को मैं इधर रखूंगा और जाऊंगा मजदूरी शुरू करूंगा। आप गैराज में होते हैं? आपका गैराज है? किसका गैराज है? किसका गैराज है यहाँ पे? किसका गैराज है?
आपका गैराज है, आप इसको मजदूरी दोगे अगर ये काम शुरू करे? बिल्कुल दूंगा अगर ये काम करे। अभी ये उम्र तो अभी इसका काम करे ही नहीं, बिल्कुल लड़ी सफेद होगी बिक बिक मांग के ना। अभी कौन इसको लगाएगा गैराज में? दाढ़ी तो मेरी भी दाढ़ी में हल्के हल्के सफेद बाल ना, तो इस उम्र में कोई इसको लगाएगा भी नहीं। बगैर मजदूरी और काम नहीं कर सकता है ये। मजदूरी तो कर सकता है ना, गैराज में मजदूरी कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है ना जी। बिल्कुल। तो क्यों नहीं करते हैं मजदूरी? करता है। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। आप कितना कमा लेते हो दिन में? 500 कमाते हैं। 500 कमाते हो? घर यहाँ पे आपका अपना है? नहीं, किराए। किराए का? हाँ। तो क्यों आप जो है ये मेहनत क्यों कर रहे हो इस तरह से, आप क्यों नहीं करते हो? मजदूरी गैरत से कमाओगे ना? हाँ। ये गैरत से कमाएगा, आप क्यों इस तरह के काम कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? स्कूल के दाखला आएंगे सर। दाखला होगा तो पढ़ोगे? कितने तक पढ़े हो आप? कितना पढ़े हो? अभी तक पढ़े ही नहीं हो, सिर्फ मजदूरी कर रहे हो। दूसरे भाई आपके हैं? हाँ। वो भी काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? ये रबड़। रबड़ का काम करते हैं। क्या पैगाम देना चाहोगे इस तरह के लोगों को जो ये भीख मांगते हैं और अपने बच्चों से जो है वो मजदूरी करवाते हैं और बच्चों को जो है सबक नहीं पढ़वाते हैं, स्कूल नहीं पढ़वाते हैं? क्या पैगाम देना चाहोगे? क्या बताएं? बोल दो, दिल से कुछ बोल दो कि यार इस तरह के लोगों को क्या होना चाहिए। तुम लोग का मर्जी, क्या बोल सकते हैं जी? ऐसे लोगों को हिदायत अल्लाह ही दे सकता है। ये तो भीख मांगते हैं, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे सकता है। अल्लाह हिदायत देगा? हाँ, अल्लाह हिदायत देगा। और अगर ये खुद कोशिश करे तो उनको करे, कोशिश करे तो दया दो, करे कोशिश, काम करे, कुछ काम करे ना, कोई अल्लाह ही वो कर सकता। मेरी वालदा चली गई है, वालदा भी चली गई है। वालदा भी फोत हो गई? वालदा फोत हो गई। अच्छा, अभी इसके बाद जो आप ये टीवी पे वादा करो कि इसके बाद मैं काम करूँगा। काम कर लेंगे बस। सही बात है, सही है। आपको अच्छा लगता है आप भीख मांगते हो? अच्छा नहीं लगता है आपको? आपके वालिद जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं? आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। अच्छा, देखिए नाज़रीन, ये बच्चा जो है ये इस वक्त ये बता रहा है कि इसको अच्छा नहीं लगता कि ये भीख मांगता है। ये इसके वालिद साहब जो इस वक्त इसको लेके घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये वालिद साहब काम कर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं करेंगे। उसकी सिर्फ वजह ये है कि इसके वालिद साहब हड हराम हो गए हैं और ये हड हरामी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये शुरू से भीख मांगते हुए इसी तरह से कमा रहे हैं और ये बच्चे को भी भिखारी बनाएगा। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि इस तरह के लोग हमारे माशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस तरह के लोग माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए और इस तरह के लोगों को जो है भीख भी नहीं देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर नज़ीर दुरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।